बिहार की राजनीति में प्रवासियों का मुद्दा गरमाने लगा है। जब से बिहार सरकार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रवासी मजदूरों को अपराधी बताया है, तभी से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये गुस्सा इतना भड़का कि शुक्रवार को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने भी लेटर को फाड़ दिया, ठीक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह, और कहा कि यह चिट्ठी सरकार की गरीब विरोधी घृणित मानसिकता दिखाती है। मुझे क्या, किसी को भी गुस्सा आएगा। जिस परिवार का लोग गाली खाया, डंडा खाया, बस आप आके कह दो कि भैया भूल हो गए, छोड़ दो। और आज ही क्यों? एक मिनट, चिट्ठी का नहीं, डेट क्या है? भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? मूड को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। जब इस और ये अमर के लिए लिख भी कैसे सकती, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सॉरी बोलने की मांग करते हुए कहा कि श्रम की महत्ता और श्रमिकों की गरिमा को तार तार करते नीतीश कुमार निर्देशित इस चिट्ठी का एक एक अक्षर पढ़िए। बिहारवासी श्रमिकों को गुंडा, लुटेरा और अपराधी जैसे विश्लेषणों से अलंकृत किया गया। नीतीश कुमार जी को आकर के सॉरी बोलना चाहिए, नीतीश कुमार जी को आकर सॉरी बोलना चाहिए। और पता है ये कार्यक्रम दे लोगों को रोजगार, प्रवचन नहीं सुनना, भूल हो गए। कैसे भूल हो गए? जो लोग डंडा खाया, जो लोग भूखे मरा, जिनकी मौतें हो गई भूख से, कौन है जिम्मेदार? और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो बोल रहे भूल हो गए, कौन देगा इसका जवाब? शर्म आता है, कोई राजनीति नहीं। एक मानव के तौर पे, एक इंसान के नाते थोड़ी इंसानियत जगाई, अंतरात्मा को जगाई। एक कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, पूरा पानी भर गया है पट्टा में। चल जमाओ की स्थिति होगी, खाने के लालच ऐसे ही पड़े हैं, कहां से राशन बांटेंगे? छुआछूत करेंगे पानी में, ऐसे ही कोरोना फैल जाएगा। कोई राशन वितरण करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी संक्रमण का डर होगा। मरेगा कौन? मरेगा गरीब, मरेगा मजदूर, मरेगा किसान, मरेगा। बार बार आपको देख रहे हैं, वहीं को खराब, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सिंडिकेट कर रहे हैं, बार बार शेम ऑन ऑफ दिस गवर्नमेंट, शर्म है। बिहार पुलिस के इस पत्र पर विपक्षी नेताओं ने जब एतराज जताया तो पुलिस मुख्यालय ने अपना पत्र वापस ले लिया और नया पत्र जारी करने की बात कहकर सफाई दी कि ये गलती से जारी हो गया था। अब हालांकि बिहार पुलिस ने तो माफी मांग ली है, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से माफी मंगवाने पर अड़े हुए हैं।